हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइस, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 से एग्जांपल नंबर 14। इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे ये जो 13, 14, 15 है इनको आप अच्छे से सॉल्व करना, क्योंकि ये आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और किस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन इज प्रूव दैट, यहाँ पे आपको लेफ्ट को राइट के इक्वल प्रूव करना है। तो आप यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को लेके भी सॉल्व कर सकते हो, राइट हैंड साइड को भी लेके सॉल्व कर सकते हो, और यहाँ पे दोनों साइड को भी सॉल्व कर सकते हो, लेफ्ट और राइट दोनों को सॉल्व करके भी दोनों को इक्वल लेके आ सकते हो। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, ओके, क्योंकि ये हमें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है। यहाँ सिर्फ कॉसेक ही है, तो एक नंबर एक टर्म यहाँ पे कॉसेक ए लेकर आना इजी है, बल्कि इतने सारे कॉट कॉस ये लेकर आना थोड़ा टफ है। तो लेफ्ट हैंड साइड की हमारी इक्वेशन है कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस कॉस ए। तो आपको यहाँ पे देखो, मैंने आपको कहा था कि मोस्टली इक्वेशन आपकी कॉस साइन में चेंज करने से सॉल्व हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देखो, कॉट को हमें कॉस से सॉल्व करना है, तो कॉस को तो हम कॉट में नहीं चेंज कर सकते, लेकिन कॉट को हम कॉस में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कॉट थीटा हमारा यहाँ पे क्या होता है, कॉट थीटा हमारा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे कॉस आ गया, कॉस आ गया तो हम कुछ इक्वेट तो कर सकते हैं, कुछ इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। तो कॉट की जगह पे हम ये पुट कर रहे हैं कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए हो गया। फिर डिनोमिनेटर में भी पुट करेंगे कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए हो गया। फिर हम एलसीएम ले लें, अब हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमरेटर में भी एलसीएम ले सकते हैं, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले सकते हैं, तो टेकिंग एलसीएम, ओके, तो यहाँ पे कॉस के डिवाइड में कुछ नहीं तो वन हो गया, यहाँ पे डिवाइड में कुछ नहीं तो वन हो गया, वन और साइन का एलसीएम हमारा यहाँ से कितना आया, साइन ए। तो ये हमारा हो गया, ये यहाँ पे साइन ए हमने एलसीएम लिया, साइन ए की टेबल में साइन ए वन टाइम, तो कॉस ए इंटू वन हमारा कॉस ए हो गया। फिर माइनस वन के टेबल में साइन ए टाइम, तो यहाँ पे साइन ए से मल्टीपल होगा, तो साइन ए कॉस ए हो जाएगा, ओके। फिर डिनोमिनेटर में भी सेम आ गया, वन और साइन का एलसीएम हमारा सिर्फ साइन ए आया, फिर साइन ए के टेबल में साइन ए वन टाइम, तो वन इंटू कॉस ए हो गया, माइनस वन के टेबल में साइन ए टाइम आएगा, तो यहाँ पे भी मल्टीपल हो जाएगा कॉस ए साइन ए। अब आप यहाँ पे देखो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये तो ये डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो। एग्जाम में आपको लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना है कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ताकि कुछ स्टेप्स आपको याद रहे। अब यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है कि ये कैसे कैंसिल हो गया, क्योंकि आप यहाँ पे देखो ए अपॉन बी डिवाइडेड बाय सी अपॉन बी है। अब आप इसको मल्टीपल में लिखो तो क्या आएगा, ए अपॉन बी इंटू, तो ये बी हमारा जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा बी, और जो ये यहाँ का डिनोमिनेटर का जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं ए अपॉन बी, और डिवाइड का साइन हटा के हमने मल्टीपल लगाया, तो सी अपॉन बी अपॉन सी हो जाएगा, तो ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा और ए अपॉन सी आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ये भी हमारा डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमारा क्या बच गया, कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, सॉरी यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है, नहीं तो ये तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, प्लस साइन ए कॉस ए हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, ये भी कॉस है, ये भी कॉस है, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज कॉस ए हमने न्यूमरेटर से कॉमन लिया, तो वन माइनस साइन ए बचा, यहाँ से कॉस ए बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचा, तो वन बचेगा, और यहाँ से कॉस ए बाहर आ गया तो यहाँ से साइन ए बचेगा। सेम डिनोमिनेटर में भी हम कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस ए हमने कॉमन ले लिया, स्मॉल सी है सारे ये और ये स्मॉल एस, तो यहाँ से वन प्लस साइन ए बचा, ओके। अगेन कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, दिस इम्प्लाइज लास्ट टर्म हमारी क्या बची, वन माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन ए, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि हम साइन को कॉसिक में कैसे लेकर आए, आपको ये टफ लग रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करो, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर सकते हो, राइट हैंड साइड को सॉल्व करके और ये टर्म यहाँ पे लेकर आ सकते हो। नहीं तो हमें एक आइडेंटिटी और पता है कि हमारा जो साइन थीटा होता है वो हमारा वन बाय क्या होता है, कॉसिक थीटा होता है, तो हम यहाँ पे इसको भी चेंज करते हैं, साइन की जगह वन बाय कॉसिक लिख लो और सॉल्व कर लो, और नहीं तो आप राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर सकते हो। तो दिस इम्प्लाई साइन की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, वन बाय कॉसेक ए, फिर डिनोमिनेटर में भी वन प्लस
वन बाय कॉसेक ए हो गया. ओके अब एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे वन और कॉसेक का एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉसेक ए आ जाएगा. सेम जैसे यहाँ सॉल्व किया वैसे ही हो जाएगा, कॉसेक ए, तो वन के टेबल में कॉसेक ए, कॉसेक ए टाइम, तो ये हमारा हो गया कॉसेक ए. फिर माइनस और कॉसेक ए के टेबल में कॉसेक ए वन टाइम, तो वन आ गया. और फिर यहाँ पे भी कॉसेक ए प्लस वन हो जाएगा, डिनोमिनेटर में कॉसेक ए हो गया. तो ये सेम यहाँ पे जैसे ये वाले स्टेप से कैंसिल हुआ, तो ये हमारा हो गया प्रूफ, कॉसेक ए माइनस वन डिवाइडेड बाय कॉसेक ए प्लस वन, हैंस प्रूव हो गया. नहीं तो आप ये यहाँ तक सॉल्व करने के बाद में सेम आरएचएस को सॉल्व कर सकते हो. नहीं समझ में आ रहा है, आरएचएस को सॉल्व कर लो. अगर आपको लग रहा है कि मुझे साइन से कॉसेक ए नहीं लेना आ रहा है, तो ये आप यहाँ पे देखो कॉसेक ए माइनस वन कॉसेक ए प्लस वन, तो यहाँ पे सेम ये ही फॉर्मूला हो जाएगा. हमें पता है कि कॉसेक ए हमारा क्या होता है, वन बाय साइन ए होता है, तो यहाँ पुट कर लो. इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये पूरा सॉल्यूशन भी कर सकते हो. नहीं तो यहाँ तक प्रूव हो गया, फिर आप राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लो. तो वन बाय साइन ए माइनस वन, वन बाय साइन ए प्लस वन हो जाएगा. अगेन एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो वन, वन और साइन ए का एलसीएम साइन ए, तो यह हो जाएगा वन माइनस साइन ए, और यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए. सेम यहाँ साइन ए से साइन ए कैंसिल, तो ये हमारा कितना आ गया, वन माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन ए. तो अभी देखो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तब भी सेम टर्म आ रही है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तब भी सेम टर्म आ रही है, तो इसलिए भी ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ. हैंड प्रूफ हियर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए हमारा प्रूव हो गया. और नहीं आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व करनी है, तो आपको यहां तक सॉल्व करना है पूरा, ये वाला यहां तक पूरा सॉल्व करना है, और आपके लिख दोगे हैंड्स प्रूव. नहीं और हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, फिर लिखोगे हेयर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, तो हैंड्स प्रूव्ड. ओके तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. थैंक यू.